दोस्तों, आप सबको भारत की आजादी की बहुत बहुत बधाई। और ये हमारे लिए बहुत प्राउड मोमेंट है कि आज हम लोग इस दिन को सेलिब्रेट कर रहे हैं। और लेकिन एक बात बहुत इम्पॉर्टेंट जो मैं देखता हूँ और आज मैं महसूस करता हूँ कि हम आज़ाद तो हो गए देश के पॉइंट ऑफ व्यू से, बट हम क्या अपने आप में, अपने इमोशंस, अपने फीलिंग्स, डू वी रियली सी दैट फ्रीडम विद इन अस? क्या हमारे पास वो फ्रीडम है कि हम कुछ एक्सप्रेस कर सकते हैं? इस वीडियो में आपसे मैं एक बहुत ही अहम सवाल पूछने वाला हूँ, जो कि आपको सोचना है सिर्फ कि क्या मैं वाकई इंडिपेंडेंट हूं आज, बट क्या आप फ्री हैं अपने व्यूज को एक्सप्रेस करने में? क्या आप फ्री हैं अपने आइडियाज, अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करने में? क्या आप इंडिपेंडेंस फील करते हैं उस चीज में? एंड बीइंग अ ट्रांसफॉर्मेशन कोच, बेस्ट सेलिंग ऑथर एंड मिड लाइफ ट्रांजिशन एक्सपर्ट, आई वर्क विद 2500 पीपल इन लास्ट 3 ईयर्स। एंड इस जर्नी में मैंने बहुत लोगों से बात करी है, बहुत लोगों को मैंने समझा है और उनकी लाइफ ट्रांसफॉर्म करी है। लेकिन एक बात जो मुझे बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जो मैं बताना चाहता हूँ आपको इस वीडियो के माध्यम से, कि ऐसे बहुत लोग हैं जो आज भी अपने ओपिनियंस, अपने व्यूज एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, चाहे वो आपके वर्क लाइफ में हो, चाहे वो आपके पर्सनल रिलेशनशिप में हो, अपने वाइफ के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ। ऐसे बहुत लोग हैं जो एक बंदिश फील करते हैं, जो इंडिपेंडेंट फील नहीं करते हैं। एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट विच आई वॉन्ट टू हाईलाइट, बिकॉज आपकी इंडिपेंडेंस तब है जब आप विदाउट फियर ऑफ बींग जज्ड आप इस अपने आप को एक्सप्रेस कर पा रहे हो। बिकॉज इन पैंडमिक एंड इवन आफ्टर दैट, आई हैव सीन लॉट ऑफ पीपल हु आर गोइंग थ्रू एंग्जाइटी, हु आर गोइंग थ्रू लॉट ऑफ चैलेंजेस इन देयर ओन एनवायरमेंट, बिकॉज उनको दे आर नॉट हर्ड, उन्हें कोई सुनने वाला नहीं है। एंड आई हैव सीन दिस इज मोस्ट कॉमन विद मेन, वुमेन आर वेरी एक्सप्रेसिव। आई हैव सीन इन फैक्ट इन ऑल माई वर्क दैट आई हैव डन एज अ ट्रांसफॉर्मेशन कोच फॉर पीपल, माई 70% ऑफ माई क्लाइंट्स हैज बीन वुमेन एंड 30% मैन। एंड आई हैव सीन स्पेशली मैन, दे आर नॉट वेरी एक्सप्रेसिव इन रियली शेयरिंग वॉट दे आर गोइंग थ्रू। एंड यू सी दैट, एंड दिस इज वन थिंग दैट आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू सी हाउ योर थॉट प्रोसेस इज ऑल अबाउट योर सेल्फ। आर यू फीलिंग इंडिपेंडेंट इन दैट ओन फ्रेम, योर ओन फ्रेम? हम लोग क्या करते हैं कि हम अपने वी बिकम कैप्टिव ऑफ आवर ओन इमोशंस एक्चुअली, एंड वी डोंट रियली एक्सप्रेस आवर सेल्फ। सो माई पॉइंट टू यू इज दैट आप चाहे अपने वर्क लाइफ में हो, चाहे आप अपने रिलेशनशिप में हो, चाहे वो कुछ भी कर रहे हो, अगर आप अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाओगे, इट इज़ गोइंग टू बी डिफिकल्ट फॉर यू टू लिव एन इंडिपेंडेंट और फुलफिलिंग लाइफ फॉर योर सेल्फ। सो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको आज ये एक प्लेज लेना चाहिए आज की डेट में कि यस, आज मैं अगर अपने काम पर जाता हूँ, अगर मैं वर्किंग ऑन माई इन माई प्रोफेशन, I am actually free to share my ideas and bring that idea to the table, because आपके अंदर का potential, आपको क्या idea generate करेगा आपके लिए, और वो idea कितना useful होगा वो आपको पता ही नहीं है। So don't hold yourself back, free yourself with all those blocks that you see in yourself, कि मुझे लोग क्या कहेंगे अगर मैंने idea दिया, अगर मैंने ये बोला तो क्या इसका repercussions क्या होगा? Yes, do analyze repercussions, but don't hold yourself back. You need to find an opportunity and platform to do it. And अपने relationship में आप कुछ भी जैसा भी experience कर रहे हो, जैसा भी आपको लगता है कि आप emotions दबा के बैठे हो, don't do that. Because it is not going to be healthy for you as well as for your family. You got to talk it out. You got to make sure that you are really experience that independence in that environment.